कमिश्नर अनिल कुमार ने दस्तक अभियान 2 के तहत सोमवार को जनपद स्तरीय रैली को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में NCC, इंटरमीडिएट कॉलेज, प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, आंगनवाड़ी, आशा स्टाफ, नर्सों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। रैली में नारों के माध्यम से आम जनमानस को JES की बीमारी, स्वच्छता के प्रति जागरूकता किया गया। आपको बता दें कि दस्तक अभियान में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक आशा हर घर पर दस्तक देकर साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल एवं JES के बारे में जागरूक करेगी। रैली में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी IV विश्वकर्मा, NK पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया। बच्चे की जान को खतरा पैदा हो अब तो बच्चों की सोच बच्चों को तो ऐसा होता ही रहता है। भाभी आपको सब बताया तो था। हाँ मामू ने सर था और मैंने दवा की दुकान से बुखार की गोली दी थी। भाभी बच्चों को उनकी उम्र, सेहत और वजन के हिसाब से दवाई दी जाती है। ऐसे ही नहीं अगर बच्चे को हल्का सा भी बुखार है तो उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाएगा। रोल नंबर 1 साफ सफाई को भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2 देखिए दस्तक 2 अभियान हमारे गोरखपुर मंडल में की शुरुआत आज हुई है। हम लोगों ने अप्रैल में दस्तक फेज़ 1 चलाया था और हमारे गोरखपुर मंडल में और बस्ती मंडल में दस्तक 2 अभियान जो है वो 16 तारीख से यानी आज से चालू हुआ है। इसमें बेसिकली हम जन सहयोग मांग रहे हैं एन्सेफेलाइटिस की चुनौती से लड़ने के लिए। गाँव में, देहातों में, कस्बों में रैलियां निकाल रहे हैं और जो हमारे स्कूल हैं वहां पे प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी आशा ANM वर्कर्स हैं उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि वो घर घर जाएं और बताएं कि एन्सेफेलाइटिस के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे अगर किसी को बुखार होता है तो तत्काल डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर झटके आ रहे हैं, बुखार हो रहा है तो डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये नहीं कि कहीं और घर पे या कहीं और किसी और व्यक्ति के पास जाके गलत इलाज कराएं। इसमें इलाज अगर समय से हो जाएगा तो बहुत हमें फ़ायदा होता है। 10,000 से अधिक हम लोगों ने रैलियाँ निकाली थी दस्तक 1 में और ट्रेनिंग सभी कराई हमने। आशा, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, टीचर्स, इवन सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, जो भी हमारे कटिंग एज लेवल के हमारे वर्कर्स हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग कराई, उनको सेंसिटाइज कराया। तो इससे निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिला है। थैंक यू।